बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे, तो आपका रिजल्ट का इंतजार जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कितना तैयार हो चुका है, टॉपर का वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जिन भी छात्र छात्राओं का नाम है टॉपर लिस्ट में उनके पास कब से कॉल आना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपके रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा। जो लेटेस्ट अपडेट है, जो बिहार बोर्ड के हवाले से जो भी खबर ऑफिशियल अपडेट के आधार पर निकल कर आया है, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटर के OMR सीट के मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लिया गया है। वहीं पर इंटर के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य 5 मार्च तक निर्धारित किया गया था समाप्त कर लेने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश आप 7 मार्च तक मूल्यांकन हुआ फिर भी कॉपी का मूल्यांकन समाप्त नहीं हो पाया है कुछ केंद्रों पर। लेटेस्ट अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से यही जारी किया गया है। और कुछ जगह पर आपके हिंदी और अंग्रेजी अर्थात की लैंग्वेज सब्जेक्ट की कॉपी अभी भी जांच करना बाकी है, जिसे बिहार बोर्ड सुनिश्चित किया है कि आज अर्थात की 10 मार्च के शाम तक समाप्त कर लिया जाएगा आपके जो भी कॉपी शेष है इंटर के मूल्यांकन का। इसी वजह से इंटर का रिजल्ट 1 से 2 दिन डिले हो सकता है। इंटर के रिजल्ट के इंतजार करने वाले छात्राओं को यही समझना है कि आपका कॉपी का मूल्यांकन, जो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य चल रहा था, तो काफी सेंटर पर अभी हिंदी और अंग्रेजी के कॉपी का मूल्यांकन का कार्य शेष है। जो बिहार बोर्ड बताया है कि आज अर्थात की 10 मार्च के दिन आपके शाम तक सभी कॉपी का मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। वहीं पर मैट्रिक के छात्रों के लिए बात करें तो मैट्रिक के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य 12 मार्च के दिन समाप्त हो जाएगा, और OMR सीट भी 12 मार्च के दिन चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि OMR सीट के लिए जो आपका उत्तर कुंजी आया है वे आपत्ति दर्ज कराने के मैट्रिक के छात्रों का आज तक डेट है, और कल और परसों 2 दिन में आपका OMR सीट का भी मूल्यांकन मशीन के माध्यम से कर लिया जाएगा। तो इंटर के छात्रों को क्लियर समझ में आ गया कि आपका हिंदी और अंग्रेजी के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य अभी बाकी था, जो आज शाम तक समाप्त कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए मैट्रिक में तो अभी समय है, लेकिन इंटर में उसके बाद शुरू होगा आपके टॉपर के कॉपी का पुनः मूल्यांकन, जो कार्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कल से शुरू करेगा। टॉपर के कॉपी का मूल्यांकन कल से शुरू होने जा रहा है, बहुत बड़ी अपडेट है इंटर के छात्रों के लिए। और 1 से 2 दिन में अर्थात कि कल 11 और 12 के दिन टॉपर के कॉपी का मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। जैसे जैसे टॉपर के कॉपी का पुनः मूल्यांकन होता है और जिन छात्र छात्राओं को पहले के बराबर ही अंक रहता है, अंक में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, उनके पास कॉल आना शुरू हो जाता है। अर्थात कि कल से टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होगा, तो जिन छात्र छात्राओं का नाम होगा टॉपर लिस्ट में, तो उनको कल शाम से कॉल आना शुरू हो जाएगा। और 13 से ऐसा बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि 13 और 14 के दिन टॉपर का वेरिफिकेशन अर्थात कि टॉपर इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, वो किया जाएगा बिहार बोर्ड के पटना ऑफिस में बुलाकर। इसके लिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक्सपर्ट का टीम नियुक्त कर लिया है। उसके बाद ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि पिछले साल चूंकि 16 मार्च के दिन शाम 3 बजे रिजल्ट जारी किया गया था, तो इस साल इंटर का रिजल्ट 15 मार्च के दिन ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से ट्रेंड देखा गया है कि टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त होने के पश्चात 1 दिन बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका रिजल्ट का प्रकाशन कर देता है। क्लियर आपको समझना है कि मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए क्या अपडेट है कि आपके कॉपी का मूल्यांकन कार्य 12 मार्च के दिन समाप्त होगा, और OMR सीट का भी मूल्यांकन कल से शुरू होगा और 2 दिन में पूरा OMR सीट चेक हो जाता है, क्योंकि मशीन से जांच किया जा रहा है OMR सीट। और इंटर के छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि आज शाम तक जो भी कॉपी शेष है हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज सब्जेक्ट का, तो उसका मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा, और टॉपर के कॉपी का पुनः मूल्यांकन कल और परसों में समाप्त हो जाएगा, और फिर 13 से शुरू हो जाएगा टॉपर इंटरव्यू, जो 13 और 14 दो दिन टॉपर इंटरव्यू चलेगा। और ऐसा उम्मीद है कि लेटेस्ट अपडेट यही है कि 15 मार्च तक बिहार बोर्ड कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में इंटर का रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाए। ऐसे जैसे ही टॉपर के पास कॉल आना शुरू होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक और खबर है कि आपको ग्रेस अंक खूब मिला है। ग्रेस अंक क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस विषय में कितना ग्रेस अंक मिलता है, अगर किसी विषय में कोई छात्र फेल कर रहा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आपको देख लेना है। ग्रेस अंक के पॉलिसी पर हम लोग विस्तृत चर्चा पीछे कर चुके हैं। फिलहाल आपको यही समझना है कि कोई भी छात्र छात्राएं 1 या 2 विषय में फेल कर रहे हैं, मान लीजिए 3 से 4 अंक से, तो उनको उतना अंक देकर पास करा दिया गया,
है तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। रिजल्ट काफी शानदार तैयार किया जा रहा है। ये नहीं कि बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट इस साल जारी करेगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि पिछले साल से अधिक इस साल का पासिंग परसेंटेज हो, अर्थात कि अधिक मात्रा में छात्र छात्राओं को अच्छे श्रेणी से पास कराया जाए। तो अगर आपको ग्रे संघ के बारे में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे आपको मोटा मोटी यही समझना है कि अगर आप किसी विषय में एक या दो विषय में फेल कर रहे हैं 3 से 4 अंक से, तो आपको ग्रेस अंक देकर आपको पास करा दिया जाता है, लेकिन मार्कशीट में आपका स्टार का साइन लगता है। कैसे होता है लाइव में पीछे बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी के वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि आपका रिजल्ट कितना तैयार हुआ है। ऐसे जैसे ही कोई छोटा या बड़ा अपडेट आएगा आपके रिजल्ट को लेकर, तो इस चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।